इस करंट में से झटके को अलग कर रहा है। मैं जैसे ही इस वायर को छोड़ूंगा, देखिएगा मेरे में से करंट गायब हो गया। आप टेस्टर लगाओ। जैसे आपने इसको ये लगाया, ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि इसमें अल्टरनेटिव करंट है या डीसी करंट है। फ्लक्चुएशन का काम हमेशा ट्रांसफार्मर और लाइन के बीच में बना ही रहता है। जितनी सप्लाई आ रही है उतनी ही आपको जा रही है, ठीक है। लगा? नहीं, नहीं लगा। होता क्या है, कई बार खेत में पानी लगा, बाई चांस वायर लीक होगी एक, क्या आसपास से निकलने वाला जो आदमी है, खेत में काम करने वाला आदमी है, उसको झटका लगेगा? अचानक से गया नहाने के लिए, गीजर को टच कर ली, मोटर को टच कर ली, कूलर को, वाटर कूलर को टच कर लिया, तो इस टाइप की झटका होती है कि एट ए टाइम जिस पॉइंट पे जाके, जिस कंडीशन पे जाके झटका लग रहा था, वहां से ही हमने उस करंट को एब्जॉर्ब कर ली, यानी सोख लिया। लग गया। इसमें होता क्या, कहीं लड़का काम कर रहा है, एक जगह से तो लाइन कट गई, दूसरी जगह से न्यूट्रल कट गई, वो पानी क्या है तराई कर रखी है, नीचे तार नीचे पड़ी है, और दूसरा कहीं से गलती से भी पैर पड़ गया तो भगवान ना करे वो कोई अनहोनी हो। ये लाइन चालू है, दोनों टायर टूट करके पानी में गए, चले गए हैं, और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, सेफ है कि नहीं है? ये हमारा एक डेमो डिवाइस, बाकी हमारा जो डिवाइस शुरू होता है वो 3 किलोवाट से सिंगल फेज में और 3 फेज में 5 किलोवाट से चालू होता है, तो उनको तो उठा करके ले जाना और दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक ऐसे डिवाइस को बनाया गया जो एक बल्ब जलाने के लिए बनाया गया है, और हम आप तक इस मैसेज को पहुंचाएं, इस प्रोडक्ट को समझा पाएं, इसलिए ये कैरी बैग वाला। देखिए, हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेस्टर का थोड़ा सा पुराना हो गया है काम, अब अपन डिजिटल के जमाने में है तो डिजिटल ही देख। तो एक डिजिटल टेस्टर मीटर है मेरे पास में, ये करंट को दिखाता है कि आता है कि नहीं आता। जैसे ही हम पास में रखते हैं तो इसमें एक आवाज आना शुरू हो जाती है और लाइट बजना चालू हो जाती है, जो दिख रहा होगा आपको, राइट? इसका मतलब ये करंट आ रहा है इसके अंदर, जी, ठीक है ना? अब मैं इसको जैसे ही दूर करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट की इसकी नहीं मिल रही है। देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि करंट तो आ रहा है, झटका गायब किया है। हम बार बार इस चीज को बार बार बोल रहे हैं कि फेज वायर में से करंट में से झटका गायब कर दिया, वो दोनों टाइप। अब गायब करने का तरीका बताते हैं कैसे किया है। ये बल्ब जल रहा है, अब ये देखिए, एक बल्ब जलाते समय पर यहाँ पर इंसुलिन को यहाँ से हटाया हुआ है, इस बार कट लगा हुआ है। अब इसको मैं छूंगा तो करंट लगना चाहिए मुझे। मैं अगर डायरेक्टली लगा करके छूने की कोशिश करूंगा तो 101% मुझे करंट लगेगा, लेकिन ये डिवाइस क्या कर रहा है, प्यूरिफाइड कर रहा है इसको, इस करंट में से झटके को अलग कर रहा है, और इसको मैं बड़े आराम से ऐसे पकड़ सकता हूं। ना तो लाइट बंद हुई और ना ही मुझे करंट लगा। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसको उठाएं जरा, इसको उठाइए, ऐसे पकड़िए। जितेंद्र जी, आप आइए ना। अच्छा, आप ही इधर आइए, खड़े होइए। अब मेरे पर टच करिए, ऐसे नहीं, इसको दिखाइए इधर जरा। मैं जैसे ही इस वायर को छोड़ूंगा, देखिएगा मेरे में से करंट गायब हो गया, लेकिन मैं वापस इस वायर को पकड़ूंगा, करंट वापस मेरे में से अंदर से जा रहा है, लेकिन मुझे करंट नहीं लग रहा। इसमें जब करंट लग नहीं रहा है तब तो छू करके देख सकते हैं, वहां लगा दूंगा तो मैं भी नहीं छूंगा, फिर तो मैं आपको भी नहीं बोलूंगा। आप एक बार आ जाओ। नहीं, वो भाई तो है, तो भाई भी खाना अलग खाता है ना। आप टेस्टर लगाओ, इसका मीटर का वायर देखता हूँ। क्या आपको करंट फील हो रहा है? उसको चालू कर रहा हूँ, उधर दूर से कर रहा हूँ। महसूस हो रही है आपको? अभी चालू हो जाएंगे। आपके बॉडी में से करंट फ्लो हो रही होगी, आप अर्थ भी ले रखते हो, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? इसको लागो कर ना, अच्छा खाने लाग रही चुकाई यार, मेरे में करंट नहीं भरा, मैंने छुआ बहुत है मैंने, बट करंट नहीं भरा मैंने अपने आप में। बड़ी लाइनें बनाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे जो वर्कर काम करते हैं, कि कई बार क्या है, हमारा जनरेटर जो है वो लोकेशन पे नहीं पहुंच पाता, तो हम वहां से वायर बिछा करके सिंगल फेस की आगे ले जाते हैं,
जैसे सपोज करिए 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर 500 मीटर तक, ठीक है, वोल्टेज हम यहाँ से मेंटेन करते हैं हमारे जनरेटर की इंजन के राउंड के हिसाब से, वो हमारे पास सिस्टम है कम ज़्यादा करने का, लेकिन हमारे को पर्टिकुलर 220 वहाँ चाहिए ही चाहिए एक वेल्डिंग सेट को चलाने के लिए। होता क्या है कई बार खेत में पानी लगा बाई चांस वायर लीक होगी एक, क्या आसपास से निकलने वाला जो आदमी है खेत में काम करने वाला आदमी है उसको झटका लगेगा? यही पूछना है मेरे को कि अगर पानी में कोई आदमी काम कर रहा है, खेत में कोई आदमी काम कर रहा है हमारी वजह से, अगर उसको कैजुअल्टी होती है, सही है या नहीं है? हमारी वजह से होगी ना वो कैजुअल्टी, क्योंकि हमारे वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे, और बाई चांस वायर लीक होगी किसी वजह से, गाँव किसी भी पशु ने पैर रख दिया, हो सकता है दोनों ही वायर कट गई हो, तो क्या शॉर्ट सर्किट होने के बाद पीछे वाला सिस्टम बंद करेगा उसको? थैंक यू, मैं माफी चाहूंगा, मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है, मैं वैसे भी जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और मैं अभी यहां पे आपको एज ए टेक्निकल ढंग से मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये पोंटो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी जयपुर बेसी है, मेक इन इंडिया ही है, हमारे हेड जो हेड ऑफिस है हमारी वो MNIT के अंदर है, और जो हमारी फैक्ट्री का है वो मुहाना मंडी के जस्ट सामने है, अपोजिट गेट नंबर 1 के सामने, वहीं पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी इनके अलावा हमारा कहीं भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, और ना हमने अभी अभी तक डाले, आगे फर्दर सोच रहे हैं, जहां भी हमें मिलेगा हम वहां पे वर्कलोड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये हमारे पास अभी ओनली फॉर 60 वाट का डेमो किट, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर बेस है इसलिए कैरी करने में इजिली नहीं होती है, देख चले, अदरवाइज आप 1 किलोवाट से लेके 500 वाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट लेके अनलिमिट में जा सकते हो। सिंगल फेज में भी हम लिमिटलेस है, और 3 फेज में भी लिमिटलेस है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज और यूज के अकॉर्डिंग है। यदि आप कहते हो कि मुझे 3 फेज में 20 किलोवाट की जरूरत है तो हम 20 किलोवाट की भी देंगे, 100 किलोवाट है तो हम 100 किलोवाट की भी देंगे, 150 किलोवाट है तो 150 किलोवाट, मतलब लिमिटलेस है, आप जहां भी जा सकते हो वहां तक अपन कर सकते हैं। डेमो किट के कैरी करने के लिए आसानी होता है 60 वाट, इसलिए आपके सामने 60 वाट की। इनमें जो मेन अपन अभी फीचर जो इंक्लूड कर रखे हैं, इनबिल्ट कर रखे हैं, वो दो चीज आप आसानी से देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल शॉक फ्री पावर सप्लाई का, दूसरा शॉर्ट सर्किट का, कि किस तरह से ये वर्क कर रही है। ये देखिए यहाँ पे मीटर है, मीटर के बाद अपनी लगेगी सेफोन, सेफोन के बाद MCV, उसके बाद प्री मैसेज लगा हुआ है। तो अभी नॉर्मली हमने जो इनके अंदर इनबिल्ट कर रखी वायर वो डायरेक्टली हमने किसी मेन सप्लाई के बोर्ड से कनेक्ट कर रखा है। बेसिकली कनेक्शन हमेशा होगा अपने घरों के अंदर या कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल, तो वो हमेशा किसके साथ होगी, मीटर के बाद। हम कभी भी गवर्नमेंट के सेगमेंट में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी तक जितनी भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वो सारे इंसिडेंट मीटर के बाद हुई, हमें HT से कोई लेना देना नहीं। जान माल की हानि, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का नुकसान सबसे ज्यादा फैक्ट्री में हो रही है, घरों में हो रही है और कॉमर्शियल हो रही है, मानते कि नहीं मानते हैं? आज तक शॉर्ट सर्किट से आग लगने में करोड़ों का नुकसान होता है, ये सर नो? तो उनको ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है, क्लियर? इस प्रोडक्ट का नाम है सेफोन पावर प्यूरिफायर, नाम से है सेफ ऑन पावर प्यूरिफायर, मतलब सेफ है ऑन में भी और पावर प्यूरिफायर जा रही है। अभी आपने देख लिया, यदि ये डिवाइस कहीं भी सिंगल फेज में अपने घर के अंदर लगा होगा, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, और ये कनेक्शन इस टाइप से होगी, इसके जगह वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, एस ऑन ऑल प्रीमाइसेज जो आप यूज करते हो डेली उपकरण में लाइफ में अपने, ठीक है ना, इस टाइप से। और इनकेस कहीं भी इस टाइप की लाइव वायर कटा हुआ हो, इंसुलेशन हटी हुई हो, वो चूहा ने कुतर दिया या किसी ने कर दिया, चाकू से कर दिया या नॉन टेक्निकल नॉलेज के कारण हो गया, कहीं भी हो, और हम अचानक से या हमारी फैमिली मेंबर में कोई भी कहीं भी यदि अचानक बच्चे ने क्या किया, इस सॉकेट के अंदर उंगली डाल दिया, या अचानक से गया नहाने के लिए गीजर को टच कर ली, मोटर को टच कर ली, कूलर को, वाटर कूलर को टच कर लिया, इन सब को टच कर लेता, और अचानक एक झटका सा महसूस होता, डिपेंड करता है उनकी बॉडी की रेजिस्टेंस किस टाइप की, और इस टाइप की झटका होती है कि एट ए टाइम होता है या नहीं होता, यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते हो सर? मानते सर? तो सती सर इस टाइप की कंडीशन कहीं भी होगा और ये डिवाइस सक्सेसफुली किसी ऑफिस या घर या कॉमर्शियल में लगा होगा, तो आप 101% सेफ हो, यानी सुरक्षित हो, आपको किसी प्रकार का करंट का झटका नहीं लगेगी। करंट का झटका कितने एम्पियर पे लगता है साहब? ओके, 30 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर की बात करते हो, झटका देना स्टार्ट हो जाता। ये 60 वाट का है, आप आसानी से सारे इलेक्ट्रिशियन, कोई एक इलेक्ट्रिशियन उठकर आ जाओगे, हमारे पास दो दो मल्टीमीटर है, आसानी से चेक कर सकते हो कि 60 वाट और वहां से 240 वोल्ट आ रही है। जब इसको कैलकुलेट करते हो ना तो 3 एम्पियर की करंट हो गए, कितने? और 3 एम्पियर के करंट आपकी बॉडी में सभी पास हो और आपको झटका नहीं लगा।
इसी तरह से आप थ्री फेज में भी आप टच कर सकते हो आराम से, इजी गोइंग में, और आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमने क्या किया, उस करंट में से झटके को अलग कर दी। अलग किसने किया? कुंटो कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। इसीलिए इस डिवाइस का नाम क्या दिया? सेफोन पावर प्यूरिफायर। किस तरह से अलग किया? एक सर्किट डिजाइन करके। उस सर्किट का नाम क्या है? CLM, करंट लीकेज मैनेजमेंट। याद रखिएगा, इसके बारे में और डिटेल्स में अभी आपको बताऊंगा। करंट लीकेज मैनेजमेंट इसका काम है। ये डिवाइस के अंदर जो हम बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये टेक्नोलॉजी है इसमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की थ्योरी और प्रिंसिपल एज इट इज इसी टाइप से वर्क करे जो मैं आपको बता रहा हूं। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, किसका? सेफ्टी और प्रोटेक्शन दोनों ही चीज दे रही। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इसने किया एब्जॉर्ब कर ली। कौन? CLM डिजाइन जो सर्किट किया होता, एक्स्ट्रा बाइंडिंग जिसको कहते हो। इस एक्स्ट्रा बाइंडिंग ने क्या किया, इस जो झटका लग रहा था अपने को, जिसके कारण झटका लग रहा था, जिस करंट से झटका लग रही थी, कितने मिली एम्पीयर पे? भाई साहब ने कहा 3, मैं 30 तक लेके चलता हूं। कहीं जिस पॉइंट पे जाके, जिस कंडीशन पे जाके झटका लग रहा था, वहां से ही हमने उस करंट को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी सोख लिया। किसके माध्यम से? करंट लीकेज मैनेजमेंट, CLM टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और साहब मैं आपको जानकारी दे दूं, यही CLM टेक्नोलॉजी हमारी पेटेंट हो चुकी है। अगले 20 साल तक हमारी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, अकेला हम बना सकते हैं। और हमारे द्वारा बनाए गए आप जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या पेज एसोसिएट होंगे या जो मार्केट में काम करें, वो इनके बारे में बता सकते हैं और आराम से काम कर सकते हैं। क्लियर? ये CLM टेक्नोलॉजी हमारी टोटल AC बेस है। कोई भी हम DC पे अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, ना DC के लिए हमने कोई काम किया। 220 वोल्ट दोगे उतने ही आप पाओगे। वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम है 2 वोल्ट मान लो तो ठीक है। मैं तो आपको डायरेक्ट दिखा दिया, आ रही थी 232-240 आपको मिल रहा, ड्रॉप ना के बराबर। इसके अलावा एक सबसे जो मेजर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, वो ये दिखा रहा हूं कि यहां अपने पास देखिए एक ग्लास के अंदर पानी ले रखा हूं, पानी है, ये हमने ऑन कर दिया था, ये पानी है। इस पानी के अंदर हमने लाइव वायर डाल दिया। ये इसलिए बताया, कभी हमारे ठेकेदार साहब ने कहा कि यदि ऐसी कैजुअलिटी हो जाए तो क्या होगा, बीच में उन्होंने पूछा, मैंने जवाब भी दिया। बाकी आप यहां चेक कर सकते हैं कि करंट है या नहीं, ठीक है, किसी भी टाइप से आके, ठीक है। अब इसके अंदर कोई फिंगर डाल सकते हैं आप लोगों में से कोई आ सकते हैं जो प्रैक्टिकल चेक करना चाहे? बिल्कुल, क्या बात है, समझ में। ठेकेदार साहब एक बार आप भी, हाँ सर को ना उधर से उन 4 आदमी इधर बुला लीजिए, सर आप चेयर इधर कर लो ना, एक बार चेयर आ चुकी है प्लास्टिक की, तो बोले चेयर इधर कर, इधर लगा दे सर, इधर इसी साइड लगा, हाँ हाथ लगा ले नीचे, या उस लग गया साइड बढ़ा दो ऐसे, इस प्लग को दोबारा एक बार चेक करो। आपने क्या काम किया है, ये प्लग लगा दिया, ये सर्किट घूम करके इसमें जैसा, उनका सवाल ये है कि आप इस वायर को न्यूट्रल को काट दीजिए, प्लग को घुमा दीजिए, हम सर्किट फिर दोबारा से घुमाना चाहते हैं। उसके बाद में ना फिर उसके वाला भी दिखा दीजिएगा कि वाटर है, मान लीजिए कि दोनों ही वायर लीक हो जाए, फिर उस कंडीशन में क्या हो? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है जब पानी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं किसी भी, मेरे को पता है ना सर कि मान लो कहीं पे लड़का काम, कहीं कहीं लड़का काम कर रहा है, फिर इसमें सर इसमें होता क्या, कहीं लड़का काम कर रहा है एक जगह से तो लाइन कट गई, दूसरी जगह से न्यूट्रल कट गई, वो पानी क्या है तराई कर रखी है, नीचे तार नीचे पड़ी है, और दूसरा कहीं से गलती से भी पैर पड़ गया तो भगवान ना करे वो कोई अलोनी हो। टच कीजिए तो इसमें क्या है, कितना करंट आ रहा है, टेस्टर कहाँ है आपका? ठीक है, यदि ये दोनों ही वायर यदि पानी के अंदर हो तो शायद यही बनेगा, शायद यही ठेकेदार साहब यही बनेगा, सर्किट बनेगा, यही कह सकते शो कर रहा नहीं और मैंने क्या बोला है आपको, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझे, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वही मैं भी चाह रहा हूँ, एग्जेक्टेड प्रॉपर और प्रोफेशनल टेक्नीशियन है। हाँ। ये दोनों वायर जैसे आपने यहाँ से कट किया इसको, आप इसको यहाँ से कट कीजिए, ओके ठीक है, छील दीजिए, इस छीली हुई वायर को यहाँ डालिए, बल्ब को जला के बाहर दिखाइए, मेरा मानना आपसे ये है। आप कहना क्या चाहते हैं, वैसे चलेंगे, ये कर दिया मैंने, ठीक है, अब बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये दोनों वायर पानी में डाल दीजिए, दोनों कट डाल देता हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं इसको कर दो और इसको, हाँ
सीधी सी सिंपल सी बात है क्योंकि ये तो सेफ है ना सर ना बिल्कुल बिल्कुल कोई ना कोई ना नो प्रॉब्लम ये लीजिए और इसके बाद में ये लीजिए मुझे हाथ डाल दिया मतलब भी जल रहा है अब बता दीजिए नीचे नीचे जमीन से ये लो था नहीं सूज भी उतार दो सॉक्स भी उतार दो अगर हम सेटिस्फाइड है तो प्रॉपर तरीके से मेरे पे थे आप रुको ना तो हाथ लगाना सीधा इसको दबाओ इसको दबाओ अक्सर क्या होता है कि करंट इनको पहले नहीं लगेगा ऐसा है आज तक आपको लगा मैं एक चीज बताता हूँ मैं शायद सबसे एक्सपीरियंस मेरा कम भी हो सकता है शायद मेरी जानकारी भी कम होगी सबसे लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कि कभी आप काम कर रहे हो कहीं भी काम कर रहे हो और अगर तो जब अपने को करंट लगता है जैसे मेरा पैर नंगा है या मैंने सूज डाल रखे हैं और आप नंगे पैर हो और आपने मेरी बॉडी को टच किया तो मुझे करंट नहीं लगेगा क्या है कि अगर जो हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं तो हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो और ये फिर करता क्यों वर्क है ये भी बताए कि ये क्या चीज है इसमें ऐसी जो ऐसा हो रहा है बिल्कुल बता अभी देखिए लोड भी आ रहा है ये कबल चाहे इधर कर ले चाहे उधर कर ले लोड तो आ रहा है शॉर्ट सर्किट तक पहुंच गया नहीं अभी नहीं अब इसका कहना ये था कि मैं ये आपके सामने किसी पे डालूंगा और इसमें दोनों तार अंदर कर ठीक है दोबारा थे अभी वाले भी डाल दिए थे मैं अपने वाले भी कर देते एक तार ये दोनों तार गए नंगे पैर हो भाई साहब नहीं नहीं आप लोग वो नहीं कह रहे नंगे पैर हो ना आप बड़ा क्या मेन सेटिस्फेक्शन जरूरी है ये लो ना मेन अपना सेटिस्फेक्शन जरूरी है अब ये लाइन चालू है भी कि नहीं है ये भी चेक कर लेते ये लाइन बंद नहीं हो सकती है रुको ना दिखाने का तरीका बता रहा हूँ मैं ये दोनों तारों को हम जोड़ देते हैं अभी हम शॉर्ट सर्किट तक भी पहुंच जाएंगे ये लाइन चालू है कि नहीं है वो पता लग जाए ना हमको देखिएगा ये लाइन चालू है जब ये शॉर्ट होगा तार वापस में मिलेंगे तो आगे की सप्लाई को बंद कर देगा और वही किया अभी आप चाह रहे थे जो आप कहना चाह रहे थे कि ये दोनों तार टूट करके पानी में गए चले गए हैं और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर सेफ है कि नहीं है जो आपका सवाल था वो खत्म हो गया यहाँ पर कैजुअल्टी नहीं हो भगवान के द्वारा बनाए हुए नहीं इंसान के द्वारा बनाए गए दो सबसे बड़ी गलतियां हैं एक इलेक्ट्रिकल शॉक से मौत दूसरी शॉर्ट सर्किट यस और नो इसको अभी तक किसी ने दूर नहीं किया बट ये डिवाइस यदि आप लगाते हो कि दोनों ही मेजर प्रॉब्लम आपके खत्म हो रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए कैसे अभी आपने देख लिया लोड के साथ भी दोनों वायर यदि गिरा हुआ था ठेकेदार साहब तो उन्होंने चेक किया इनके आदत यहाँ पे एक वर्मा जी थे राज वर्मा जी शायद क्या नाम था संदीप वर्मा जी इन्होंने भी टच किया इनको नहीं लगा प्रैक्टिकली आप सब कर सकते हो टोटल इलेक्ट्रिशियन हो टेक्नीशियन हो आप हॉलैंड नाइजीरिया वियतनाम अलग अलग देश के डेलीगेट्स होते हैं बड़े बड़े फॉरेनर इंजीनियर रुके स्टडी की इस पे फिर भी उनको ये नहीं पता लग पाया कि करंट में से झटके को कैसे गायब कर दूं ठीक है ना और वो अभी सक्सेसफुली हमारे एसोसिएट पार्टनर है प्रेजेंट टाइम जिसका मैं प्रेजेंटेशन एक कॉपी आपको भी शेयर कर सकता हूं।